नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल और हमारा जो फेसबुक पेज है उसके माध्यम से। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा चींटी परागण। चींटी परागण क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं या कुछ ऐसे फल होते हैं या कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनमें ओनली चींटी ही प्रवेश कर सकती है, ठीक है, और कोई जीव प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसे पेड़ पौधों में क्या होता है बेटा, चींटी परागण होता है। जैसे हम बोल सकते हैं बेटा माई मेकोफिली, ठीक है, कोफिली। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चींटी परागण की, ठीक है, किसकी? चींटी परागण। ये ध्यान रखिएगा, चींटी परागण को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं चींटी परागण, और चींटी परागण होता क्या बेटा, कुछ पुष्प मकरंद से भरे होते हैं, ठीक है, कुछ पुष्प मकरंद से, किससे बेटा, मकरंद से भरे होते हैं, कुछ पुष्प मकरंद से भरे होते हैं, ठीक है, कुछ पुष्प क्या मकरंद से भरे होते हैं किंतु इतने पतले होते हैं, तो बेटा पतले होते हैं कि उनमें चींटी के अतिरिक्त अन्य कुछ और प्रवेश नहीं कर सकता। क्या बेटा, चींटी के अतिरिक्त अन्य कुछ और प्रवेश नहीं कर सकता, यह कर पाता है। ऐसे पुष्पों में सहजीवी के रूप में रहती है, ऐसे पुष्पों में कौन, चींटी क्या रहती है, सहजीवी के रूप में रहती है, ठीक है, क्योंकि सहजीवी रूप में उसे पुष्पों से मकरंद मिलता है, तब बदले में पुष्प में परागण होता है। चींटी को क्या मिलता है, मकरंद मिलता है जिससे उसमें क्या हो जाता है बेटा, परागण हो जाता। पर मकरंद मिलता है जिससे उसमें क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। उदाहरण में मैं बात करूं, कदंब का पेड़ होता है उसमें यह है देखने को आप देख सकते हो उदाहरण, ठीक है। तो यह टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा क्रिप्टोगैमी मतलब चमकादार परागण, ठीक है। और यह है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आशा कर रहा हूँ। और वीडियो देखने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।